नाज़रीन, इलेक्शन 2024 की खुसूसी ट्रांसमिशन के इस आखिरी हिस्से में आपका खुशामदीद। और गुफ्तगू कर रहे थे हम ब्रेक से पहले, रऊफ हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे। बासित साहब, आपसे ही अब शुरू करते हैं इस लास्ट सेगमेंट में। रऊफ हसन साहब की आपने बातें सुनी, इमरान खान साहब ऑब्वियसली अपने स्टांस को रिटरेट कर रहे हैं, डिटर्मिंड हैं, मिल के अगर मामलात को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा तो आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ वुड एक्चुअली बी फेसिंग फर्दर चैलेंजेस अहेड? चैलेंजेस तो हैं और तमाम पार्टीज़ के लिए हैं। मैं समझता हूँ इस वक्त वो ज़ेरे आताब हैं, उनके लिए चैलेंजेस हैं। वक्त बदलते देर नहीं लगती पाकिस्तान में। आज जो लोग कह रहे हैं मकाफात अमल है, तो 5 साल के बाद फिर कोई और मकाफात अमल हम देखेंगे। तो ये 5 साल ज़्यादा कह दिया आपने। चलिए, मैं मेरी ऐसे मेरी ख्वाहिश है और मुझे उम्मीद भी है। आपको लगता दोस्त? मुझे ऐसे लगता है, मेरी जो सिक्स सेंस है वो ये कह रही है कि इन इलेक्शन के बाद होपफुली पाकिस्तान में एक ठहराव सा आएगा। जो पार्टी भी जीतती है, कुछ लोगों का ख्याल है कि ज़्यादा खलजान सी सूरत हाल पैदा होगी, लेकिन मैं ज़रा इसको डिफरेंटली देख रहा हूँ। मेरे ख्याल में इलेक्शंस जैसे भी होते हैं, जैसी भी पार्टीज आती हैं और जैसे भी उनकी मेजॉरिटी है, जो भी नंबर लेकर वो आते हैं, मुझे लगता है कि इस असेंबली के नतीजे में पाकिस्तान में रिलेटिवली बेहतर हालात पाए जाएंगे अगले 5 सालों में। इसमें जो एक चीज पॉजिटिव चीज है ना, बड़ी बड़ी है। इसकी जो लॉजिकल रीजन है ना, उसकी देखें, आप कह रहे हैं कि बेहतर होंगे ना, मेरा ख्याल है बेहतर। लॉजिकल रीजन इसकी जो है ना, वो ठहराव सा आ जाएगा। मैं बात करना भी चाह रहा था, जो रऊफ साहब ने बात की, जो मेरे स्टार्ट में क्वेश्चन भी उनसे यही किया था कि ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन की जो बात, अगर तहरीक इंसाफ के अंदर ये सोच पाई जाती है और अगर सबसे ज्यादा वोट उनको मिलता है, सीटें हुकूमत किसकी बनती है इससे हम नहीं पढ़ते, अगर उसके अंदर ये सोच पाई जाती है, पीएस पार्टी ऑलरेडी तैयार है और वो कह रहे हैं कि ठीक है हम भी करेंगे, सिर्फ रहती है बात पीएमएलएन की। और मेरा ख्याल है कि पीएमएलएन भी जो है कि इलेक्शन के बाद वो भी चाहेंगे कि अच्छा उनको कुछ हिस्सा मिल जाए, जो उनकी आखिरी एक दो ख्वाहिशें रह गई हैं, तो फिर मिल बैठ कर कोई किसी तरफ हम चले जाएँ, वरना आप वो डी ट्रैक हो जाएंगे। और जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर इसके अंदर है, पब्लिक सपोर्ट वाला एलिमेंट जो मैं बात कर रहा हूँ, अगर वो ये कह रहे हैं, क्योंकि इन्हीं के ऊपर सबसे ज़्यादा एतराज़ था ना कि जब 3-3.5 साल हुकूमत थी कि हमने अपोजिशन के साथ नहीं बैठना, हाथ नहीं मिलाना, अंदर डाल देना है, बंद कर देना है, जेलों में डाल देंगे, चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, तो अगर उनकी टोन जो है वो डाउन हो गई है और वो ये कह रहे हैं कि बैठ के हम की आगे सारे मिल के चल सकते हैं, तो मेरा ख्याल है कि बाकी तो ऑलरेडी ही इकट्ठे बैठ के उन्होंने तो आपस में बांटा हुआ था, पंजाब आपका, सिंध हमारा, और चलें ठीक है ऐसे चलाए रखते हैं। तो ये तीसरा फैक्टर आ गया था ना जिसने सबकी ख्वाबों के ऊपर जो है पानी फेर दिया था। तो अगर वो भी अब बैठ के बात करने के लिए तैयार है, तो मेरा ख्याल है कि स्टेबिलिटी की तरफ हम जा सकते हैं, अगर इस्लामाबाद के साथ साथ पावर कॉरिडोर जो है कि वो बार बार क्यों बैठ के स्टेबिलिटी की तरफ सपोर्ट। अच्छा नहीं, बासित साहब मैं आपको एक बात बताऊं, आपने कहा ये तो हमारी उम्मीद है, ख्वाहिश है, हम ये चाहते हैं कि ऐसा हो। नहीं, मुझे लगता है कि ऐसा होगा। नहीं, आप ठीक है, आपको लगता है, मैं आपको एक बात बताऊं, आई विल गो विद व्हाट, जिस वक्त ये घेर घार के पीटीआई के लोगों को ना प्रेस क्लब की दरमियान वाली कुर्सी पर बैठा रहे थे पार्टी छोड़ने के लिए, उस वक्त असद उमर साहब ने पार्टी नहीं छोड़ी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने अलहदगी अख्तियार जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से जब अलहदा हुए थे, मैं उस वक्त की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा हूं, उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ना, मेरे ख्याल में उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के इब्तदाई 8 मिनट इस वक्त सबको सुनने की जरूरत है, जिसमें उन्होंने कहा था कि 5 मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, फौज है, एस्टैब्लिशमेंट, अदलिया, पीटीआई, ऑल अदर पोलिटिकल पार्टीज एंड पीपल ऑफ पाकिस्तान। कौन है इस वक्त मुतमईन, किसके हालात ठीक हैं, कौन थ्राइव करता हुआ नजर आ रहा है? कोई नहीं आ रहा, फिर क्या किया जाए? एक मरतबा बैठे सोचें क्या कर रहे हैं। वही कुछ आज शायद नबासी साहब भी यही कह रहे हैं के एवरीबडी बिलीव्स, मतलब एक द मोस्ट बासित साहब, दिस इज गोइंग टू बी, अगर हमारा इस बात पे एग्रीमेंट है ना कि दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंजीनियर्ड इलेक्शन इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, फिर ये उम्मीद करना और नॉट, फिर ये उम्मीद करना कि कैंसर के मरीज को आप डिस्प्रिन से की गोली दे के आप उसका दर्द दूर कर देंगे, ठीक कर देंगे, दैट इज नॉट। अच्छा, कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद 8 फरवरी को हर कुव्वत न्यूट्रल हो जाएगी कि अवाम को करने दो, एक ये भी राय पाई जाती है, बड़ी स्ट्रांग राय है ये, अगर ये हो गया तो फिर वो जो कह रहे हैं वो ठीक है, हो जाएगा। इंजीनियर और नॉट, मासूमाना ख्वाहिश तो करनी चाहिए ना। मार्क माय वर्ड्स, इंशाल्लाह पाकिस्तान के हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। हमारी भी यही है, नहीं मैं उम्मीद यही करता हूं, हमने 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 आमिर आजमाए,
आमिर आजमाए, जमहूरी हुकूमत आजमाई, हाइब्रिड रिजीम जो इमरान खान की खाई जाती है वो देखी, हाइब्रिड प्रो मैक्स देखी, शहबाज शरीफ की सब सब कुछ देख लिया ना, अब हम सुपर सिलेक्टेड, अब ये तजुर्बा भी देख लें। मतलब इस वक्त अगर 2018 के बाद क्या हुआ, 2018 के बाद क्या मामला स्टेबलाइज हो गए थे? ये कुछ ब्रॉडली कुछ रूल्स ऑफ द गेम अगर तय नहीं होते बस फिर ये एक विशेष पीपल्स पार्टी और नून लीग के लिए बासे साहब ये बड़ी आइडियल सिचुएशन है। खालिद साहब कह रहे थे कि पीटीआई जो है वो बहरहाल एक जरा फ्लेक्सिबल मोड में अगरचे नजर आ रही है, पीपल्स पार्टी एंड पीएमएलए वुड नॉट वांट, उनके लिए वो टू पार्टी सिस्टम वो वापस से उसमें आ गए हैं। आज को स्क्रीन पे अगर ये सब कुछ ना हुआ ना, जलसे करते हुए नजर आ रही है, उनको तो थ्रेट था इस थर्ड साहब, अगर ये सब कुछ ना हुआ ना वो तो आएंगे ना जी, ये नहीं है जिस तरह देखे आप सब, हम सब लोग ये बात तो मानते हैं ना कि हमारे मुल्क में सियासत में इम्बेलेंस तो है, अस्करी सियासी जो कुव्वतें हैं उसमें इम्बेलेंस तो है, इसमें तो ये हकीकत है, ये ज़मीनी हकायक हैं, इनसे कोई नज़र इनको नज़रअंदाज आप नहीं कर सकते। मैं उन्हीं को सामने रख के उस ख़ास एक फैक्टर को भी सामने रख के ये बात कर रहा हूँ। देखिए सियासत है या कौमी असम्बली हुई खला में तो नहीं आएगी ना, उसके पीछे ही बहुत से महरकत हैं और बहुत सी चीज़ें अगले पाँच सालों के लिए तय भी होनी है। मैं उन तमाम चीज़ों को सामने रख के ये बात कर रहा हूँ कि मुझे लगता है कि अगले 5 साल पाकिस्तान में रिलेटिवली स्टेबिलिटी होगी इंशाल्लाह, ये उम्मीद भी की जा सकती है, लेकिन मेरी असेसमेंट भी ये कहती है, दुआ भी है ऑब्वियसली मुल्क पाकिस्तान ये दुआ भी है, ये होने नहीं लगा, मेरा ख्याल है कि ये होगा, ये हो सकता है अगर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने सेंसिबली इलेक्शन के बाद कहीं बैठ गए, ये होगा। अच्छा अदरवाइज जो आप बार बार मुझे कहते हैं ना कि इस्लामाबाद कह के लम्हे का वक्फा क्यों लेता हूं, क्योंकि इस वक्त ये भी है कि आप अगर किसी के पास मेजॉरिटीज नहीं होती और कोई भी हाउस की कमांड नहीं रखता तो आर्टिकल 58(2) याद रखें, बहुत से लोगों की ये भी ख्वाहिश है कि आर्टिकल 58(2) का इस्तेमाल करके इसी को इसी सिस्टम को इसी गवर्नमेंट को मजीद 3 महीने आगे ले जाएं और फिर प्रोड्यूसर साहब ये क्लिप सेव करवा लें, ये बासित साहब ऐसे किसी कर रहे हैं ना, मुमकिन नहीं होगा क्योंकि इस वक्त जो मामलात है ना वो यही हैं कि इलेक्शंस फौरी तौर पे करवाएं और जो कुछ भी होना है हो जाए, इलेक्शन तो होगा, उसके बाद इलेक्शन तो होगा, उसके बाद अगर हाउस में कमांड ना हो, हाउस में हो जाएगा वो भी आप देखेंगे इंशाल्लाह, इलेक्शन के बाद भी हमारी मुलाकात होनी है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। राइट और अब आखिर में चूंकि हम नाज़रीन को भी बताते चलें कि हम अपनी ट्रांसमिशन में बाकायदा तर्जुमान रहे हैं दफ्तर खारजा के, जब वो कहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा उसमें जाहिर है कि बासित साहब का कहने का अंदाज यही है, हमारे में से किसी की ख्वाहिश नहीं है कि पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी हो, अदम इस्तेहकाम हो, बट ये जो रास्ता है बासित साहब आई एम सॉरी You do not agree with लेकिन इस स्टेबिलिटी में आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देख रहे हैं? बिल्कुल देख रहा हूँ, ये रास्ता तमाम देख रहा हूँ, आपको बहुत से सरप्राइजेस मिलेंगे इलेक्शंस के बाद, दिस आई कैन टेल यू, इलेक्शन में भी मिल सकते हैं, इलेक्शंस में शायद ना मिले लेकिन इलेक्शंस के बाद खुल के बात कर नहीं कर रहे ना बासित साहब, अब फिर उनका देनी है खबर तो फिर खुल के अप्रैल में क्या होगा, अभी कल भी ट्रांसमिशन करनी है ना बाबा, थोड़ा सा सबर करें, अप्रैल का महीना कौन से सरप्राइजेस ला रहा है फिर बता देना, कल भी ट्रांसमिशन करनी है, आहिस्ता आहिस्ता खबरें शेयर। बासित साहब क्या इसको इस बात से लिंक किया जा सकता है कि जो कुछ इस वक्त एक सर्टन सियासी जमात के साथ हो रहा है और जो फैसले आ रहे हैं, जो रऊफ हसन साहब भी कह रहे थे कि हम बिल्कुल प्रिपेयर्ड हैं कि अगले नेक्स्ट फ्यू डेज में टिल इलेक्शंस मजीद फैसले जो है वो सुना दिए जाएंगे, सारे केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा, इज इट टू फेवर इमरान खान, क्योंकि सिंपथी वोट जो है इन फैसलों के नतीजे में भी काफी बढ़ता हुआ, सजा हो गई, डिस्क्वालिफिकेशन हो गई, उसके बाद अब कोई फर्क नहीं पड़ता बाकी केसेस का, अनलेस खुदा ना खासा कुछ सजाए मौत किसी चीज, वोटर सिंपथी 10 साल नहीं, लेकिन वोटर सिंपथी के हवाले से, वोटर सिंपथी आई डोंट, यू थिंक खान विल बी एबल टू गेन दैट? I do not know really. मैं सिफोलॉजिस्ट नहीं हूँ, I have no. नहीं मेरी जो असेसमेंट है, मैंने बेशुमार शहरों में लोगों से इंटरेक्शन किया, फोन कॉल मैसेजेस, मतलब किसी एक बंदे ने गम और गुस्से का इजहार नहीं किया, बड़ी हैरत की बात ये थी कि वरना क्या जैसे 9 मई हुआ अरेस्ट हुआ तो उसके बाद बड़े इश्तियाल फैला, ठीक है, मैंने हर बंदे को हंसते हुए हंस रहे हैं जैसे मजाक उड़ाते हैं तमस्कर उड़ाते हैं, कहते हैं 8 फरवरी दस देंगे छड़ो परे सानू पता सी सानू तो पता सी, कहते हमें तो अंदाजा था कि सजाए मौत देंगे तो इधर 10 साल दिए इन्होंने,
16 साल कर देते, जायमोर भी कर देते, कोई नहीं, हम तो 8 फरवरी को मिलेंगे। राइट, सो विद दिस वी हैव टू कंक्लूड दिस ट्रांसमिशन फॉर टुडे, और कल हमारी मुलाकात होगी आप सबसे। लेकिन उस जाते जाते वो जो गुज़िश्ता रोज से बनीगाला को जो डिक्लेयर किया गया है सब जेल, उस हवाले से भी एक नैरेटिव बहरहाल बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है, और क्यों सियासी जमातों को सिर्फ और सिर्फ अपने बयानिए के हवाले से ये सहारा लेना पड़ रहा है कि एनी थिंग दैट हैज टू डू विद इमरान खान और हिज पार्टी, उसी से उनका बयानिया शायद वो जोर पकड़ेगा, चाहे वो 9 मई के वाकयात हों, चाहे वो बनीगाला को सब जेल डिक्लेयर करने की बात हो कि मवाजना किया जा रहा है कि माजी में मरियम साहिबा को इतने options, है? जी जी बस देखिए इसमें इसलिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि मैं इस प्रोसेस से गुजरा हुआ हूं कि आप उस वक्त तक जेल में किसी शख्स को नहीं रखा जा सकता जब तक कि अदालती हुक्म और हुक्म के नतीजे में रूबकार जारी ना हो जाए। मैं खुद जब FIA ने मुझे इधर कोर्ट ने मुझे जुडिशियल किया, उसके बाद मुझे अदालत ने गालबन को 2-3 घंटे उन्होंने बिठाए रखा कि जब तक हमें रूबकार नहीं मिलती आपको हम नहीं लेके जा सकते। वो रूबकार मिली, फिर वो मुझे FIA ले गए, FIA जाके कि लीगल प्रोसेस सारा डॉक्यूमेंटेशन हुई, वहां पर मेरे साइन हुए, अंगूठे लगे, फिर वो जाके अडयाला जेल लेकर गए। अब ये बुशरा बीबी वहां जा चुकी थी, फैसला जबानी सुनाया गया था, फैसला तहरीरी था ही नहीं। अब जब रात हो रही थी तो सुपरिटेंडेंट जेल ने कहा कि उन्होंने कहा मैंने इतना ही रहना है, और उन्होंने कहा रखे कि फैसला ही नहीं, रूबकार ही नहीं, तो उसने फिर इसलिए लिखा भाई इनको उधर ही रखेंगे। और तासुर ये देने की कोशिश की जा रही है कि इमरान खान साहब शायद या बुशरा बीबी के रिक्वेस्ट पे उनको बनीगाला जो है वो मुंतकिल किया गया या सब जेल डिक्लेयर कर दिया गया है। इसी के साथ ही हमें ट्रांसमिशन को यहाँ पर क्लोज करना है। आपसे कल रात 8 से 9 और 10 से 11 दोबारा मुलाकात होगी हमारे साथ।